भाई ऐसे ही ना कंप्यूटर में देख देख के आंखें दुख गई यार। आज बहुत काम था इसलिए आज सारी बीकेसी बंद और सिर्फ एक रिलैक्सिंग शेयर करूंगा। सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता दूंगा और मैं सिर्फ करूंगा आज बक बक बंद। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक सीक्रेट्स ऑफ सिक्किम का सोप है, विच इज मस्क। इसकी खुशबू आपको बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ओल्ड स्पाइस मस्क जैसा होगा या ब्रूट मस्क जैसा होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये उन सबसे बिल्कुल अलग है। और ये मस्क मतलब मस्क मेलन जैसा मस्क, ये खरबूज जैसी फ्रूटी एरोमा है इसकी। बहुत शानदार, बहुत मस्त। एंड दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस फॉर माय रिलैक्सिंग शेव। ओके, सो द ब्रश आई एम गोना यूज टुडे याकी 24 mm ब्रश। नाइस ब्रश, वेरी हैवी एंड बोल लादर इन दिस अदन पॉट। सो आई सॉ अ फेसबुक पोस्ट ऑफ सनी एंड देयर ही शो दिस अर्दन क्ले पॉट इन द पिक एंड आई थॉट सिंस आई हैव वन ऑफ द सेम लाइक दोज आई यूज दिस टूडे एंड आई वॉन्ट टू यूज दिस इन एनी वेज फॉर अ बोल लादर। पेट्स पार्कर प्रीमियम प्लैटिनम सेफ्टी रेजर ब्लेड्स स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स पैक ऑफ फाइव। रेजर इज पर्ल ट्विस्ट ओपन कोम। नाउ दिस इज अवेलेबल ऑन पर्ल शेविंग डॉट इन वेबसाइट। आई हैव रिव्यूड इट बिफोर। हैवी शॉर्ट हैंडल, देयर इज अ लॉन्ग हैंडल वर्जन एज वेल, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें जॉय शेविंग का लोगो भी है। दो वीडियो पहले मैंने टॉप 10 सेफ्टी रेजर्स में आपको बताया। और एक ये बहुत इंटरेस्टिंग रेजर काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है। आप लोग कमेंट्स में डालना इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी यूज दिस रेजर। कमेंट्स में डालो आप लोग द मोर नंबर ऑफ येस यूज द बॉम्बे शेविंग डिस्पोजेबल डबल एज रेजर आई विल यूज दिस, अदरवाइज कुछ और देखेंगे।
Pass number two. Third pass. ये अननेसेसरी था, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज्यादा हो गई।
So I didn't even realize that I did not start the video. I applied the aftershave balm from Boots Freshwood aftershave balm and glass bottle. This is a consistency like yogurt, very nice. And I was telling that only three of the aftershave balms I have liked till now. One is this one, and the two others are Pink Wolf aftershave balm and the Pearl Shaving aftershave balm. Those were like this, very nice, moisturizing, soothing and good, freshening woody aroma. So the products were good. Let us see once more. Osos musk fragrance soap, very good, luxurious soap in a soap in affordable price, very nice. Clay bowl local, I'll see if I find a link to it online. I'm मुझे नहीं लगता मिलेगा. ये याकी का 24 mm ब्रश, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है. और काफ़ी सॉफ्ट है इसके ब्रशेस. यू हैव द पर्ल शेविंग ट्विस्ट ओपन कोम रेजर, वेरी नाइस. ऑल्दो इट इज़ एन ओपन कोम, ऐसा लगता है कि बहुत एग्रेसिव होगा, बट नहीं है, बहुत सिंपल है. इसे शेविंग करना जैसे आप नॉर्मल रेजर से शेविंग करते हो, ट्विस्ट ओपन से वैसे इससे करना है. बहुत ज़्यादा दिन का स्टबल भी ईजिली निकाल देती. And the Parker blades, very nice combination with this razor, and overall they are very good blades. Sharp, smooth, no problems at all. Again, the green as well. All right, now question and answers. So today's question is also one of the very important questions, and that has been asked to me various times in various comments and other occasions as well. Even some of my colleagues have asked me this question. काफी लोगों ने question पूछा. Question ये है कि मेरी beard सिर्फ कुछ areas में आती है, सारे यहाँ कलम से लेके chin तक और गर्दन तक नहीं आती है. सिर्फ थोड़ी बहुत यहाँ chin के आसपास आती है, कलम से यहाँ पे आती है और मेरी मूंछ भी नहीं आती ढंग से. तो मैं क्या करूँ, मैं उगाने के लिए क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू टू ग्रो दीज हेयर्स. माय फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नथिंग रॉन्ग इफ हेयर इज नॉट कमिंग ऑन योर फेस. आप एबनॉर्मल नहीं हो, काफ़ी लोगों ऐसा होता है, एंड दैट्स नॉट समथिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. बट इट्स मेनी फैक्टर्स एक्चुअली, जेनेटिक, यू नो, जीन्स आर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. Your hormone balance is an important factor. Your development of hormones, puberty is very important factor. You know, बचपने से जवान होना, so वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. और see, वैसे बाल उगाने के लिए चेहरे पे आप कुछ मत करो. हम लोग बाल कम करने के लिए इतना ट्राई कर रहे हैं, आपके नहीं आ रहे ऑलरेडी, तो क्यों इतना चिंता कर रहे हो यार. ठीक है ना, तैयार होते शेव कर लो इजीली, ज़्यादा लोड नहीं लेने का लाइफ में. बाल उगाने ही तो सर पे होगा यार, जो काम भी आएंगे, किधर और मत उगाओ. ऑलराइट, एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे. बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से बात करके. थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट. प्लीज सब्सक्राइब, गिव योर कमेंट्स. व्हाट एल्स मे आई से, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, बाहर मत निकलो यार. डंडे खा रहे लोग, आप मत बनो उनमें से. आप तो इतने समझदार लोग हो यार, प्लीज. थैंक यू वेरी मच. Ciao, bye-bye, keep up the good shape.